मैं तरुणा सोलंकी आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे चैनल में। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे सुपरलेटिव्स ऑफ वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के जो टॉलेस्ट हाईएस्ट लार्जेस्ट थे। तो आज की इस वीडियो में भी हम सुपरलेटिव्स पढ़ेंगे लेकिन इंडिया के, यानी कि इंडिया में जो टॉलेस्ट लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप एसएससी, रेलवेज या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीक की, तो इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है इट इज K2, जिसकी हाइट है 8611 meters। देन हाईएस्ट स्टार कौन सा है इंडिया का, तो इट इज कुतुब मीनार, जिसे बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन स्टार्ट की थी उन्होंने, कंस्ट्रक्शन पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तो इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो इट इज 88.4 meters टॉल। देन टॉलेस्ट स्टैच्यू इंडिया का, तो वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्त है। तो इसे सरदार सरोवर डैम पे बनाया गया है गुजरात में, एंड इसकी हाइट है 182 meters, एंड ये वर्ल्ड का भी टॉलेस्ट स्टैच्यू है। देन लॉन्गेस्ट रोड की अगर मैं बात करूं तो लॉन्गेस्ट रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, विच रन्स फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। देन लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 7, जो कि वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक है, वो इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। देन अब मैं अगर बात करूं सिटीज और स्टेट्स की, तो सबसे ज्यादा पॉपुलस सिटी कौन सी है इंडिया की, तो वो है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है, एंड जिसे हम सपनों का शहर भी कहते हैं। तो सपनों का शहर है इसीलिए हर कोई वहीं जाके अपना फ्यूचर बनाने के लिए ट्राई करता है, एंड यही रीजन है कि ये इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस सिटी है। देन स्टेट विद लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, यानी कि स्टेट जिसका समुद्र तट सबसे बड़ा है, तो समुद्र किनारे है, तो कौन सी वो स्टेट है, वो है गुजरात। देन वो स्टेट कौन सी है जिसका फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे बड़ा है, तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट कवर एरिया है इट इज द लार्जेस्ट, अगर हम बाकी स्टेट से कंपेरिजन करें तो। देन लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, तो यहाँ पे दो स्टेट्स आ जाती हैं, एक होगी हमारी एरिया वाइज। तो एरिया वाइज अगर मैं बोलूं तो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की राजस्थान, लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बोलूं कि पॉपुलेशन के हिसाब से लार्ज कौन सी है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से लार्ज है हमारा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। देन नेक्स्ट अगर अब मैं बात करूं लेक्स एंड रिवर्स की, तो लार्जेस्ट लेक है इंडिया की वूलर लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, लेकिन इसमें भी दो और ऑप्शंस हैं, एक हमारी सलीन वाटर वाली है एंड एक फ्रेश वाटर वाली है। तो लार्जेस्ट सलीन वाटर जो लेक है इट इज चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है, एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की अगर मैं बात करूं तो फ्रेश वाटर में लार्जेस्ट लेक है कोलेरू लेक, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। देन लार्जेस्ट रिवर की मैं बात करूं तो यस, जिसको हम पूछते हैं द गंगा, वही हमारी लार्जेस्ट रिवर है। तो इसकी अगर लेंथ की मैं बात करूं तो इट इज 2640 kilometers लॉन्ग। देन लॉन्गेस्ट डैम कौन सी है, तो इंडिया की लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुड डैम, जो कि महानदी रिवर पे है एंड उड़ीसा में ये सिचुएटेड है, एंड ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला रिवर का मल्टीपर्पज वैली प्रोजेक्ट जो था ये पहला था। तो 1957 में इसे बनाया गया था। हीराकुड डैम लार्जेस्ट है, एंड इसकी अगर मैं रिजर्वेयर की बात करूं तो 55 kilometers लॉन्ग है इसका रिजर्वेयर, दैट इज वाई लार्जेस्ट डैम है ये इंडिया की। देन लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है इंडिया का, तो ये थार डेजर्ट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राजस्थान में है, तो लार्जेस्ट डेजर्ट है। देन लार्जेस्ट डेल्टा इंडिया का, तो इट इज सुंदरबंस, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। देन हाईएस्ट अवार्ड की मैं बात करूं तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो इट इज भारत रत्न, यानी कि भारत रत्न जिसको मिल गया वो हाईएस्ट अवार्ड है, उससे ऊपर कोई अवार्ड इंडिया में नहीं है। बट यस, उसके नीचे अवार्ड्स हैं, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, लेकिन हाईएस्ट की अगर मैं बात करूं तो इट इज भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है, यहाँ पे एक और बात नोट करना कि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, लेकिन अगर मैं हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की बात करूं तो वो है परमवीर चक्र, जो कि वीरता के लिए दिया जाता है।
देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हाईएस्ट गेटवे कौन सा है इंडिया का, तो इट इज बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी यूपी में सिचुएटेड है, तो ये इंडिया का हाईएस्ट गेटवे है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो आई होप कि आप चाहोगे कि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो, तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।